रूट नंबर 13 हॉक्स बे से टावर जो कि इस इलाके के लोगों को मिला, रूट नंबर 12 में एक्सटेंशन हुई मलीर में वो मेमन गोट तक गया, कराची के लोगों को मिला। कल जो है ईवी बसेस का रूट जो कि बहुत बड़ा रूट था बैरिया टाउन से लेके नुमाइश चौरंगी तक, बहुत बड़ा रूट था, उससे लाखों अफराद जो है वो मुस्तफीद होंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर दिनों रात वो बसें चलती रहेंगी और जो लोग हैं वो सफ़र में उनको सहूलत होगी। और आज जिस रूट का हम इफ्तिताह शुरू कर रहे हैं आज से, वो है यूसुफ गोट से लेके टावर तक, फिर उसमें बल्दिया नेवल कॉलोनी सईदाबाद गुलबाई लियारी एक्सप्रेसवे टावर, इस पे बसेस जो हैं वो चलेंगी। अब पहली ईवी टैक्सीज वो कौन शुरू करेगा, इंशाल्लाह ताला वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत से शुरू करेगी। और उसमें भी हम ईवी बसेस ईवी टैक्सीज में खवातीन के लिए पिंक टैक्सी सर्विस भी शुरू करने जा रहे हैं और उससे फायदा ये होगा कि खवातीन ड्राइवर्स होंगी, खवातीन पैसेंजर्स होंगी और खवातीन को पुरसुकून तरीके से एक अच्छे एनवायरनमेंट में वो अपने डोर टू डोर घर से उनको उठाएंगी और घर से उनको जाके छोड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि NICVD जिस स्पीड से चल रहा है दुनिया का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल और सबसे बड़ा हॉस्पिटल लोग के सामने आएगा पूरी दुनिया का, और मुफ्त में इलाज जो है 24 घंटे इमरजेंसी में, अमीर का गरीब का मिस्कीन का किसान का मजदूर का मुफ्त में इलाज अगर दिल का हो रहा है तो NICVD में हो रहा है। मैं आज अपील करता हूं वफाकी इदारों से कि इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें। जो सैलाब मुतासरीन के लिए 5 अरब रुपए इमरान खान ने जमा किए, उस वक्त की PTI की हुकूमत ने जमा किए, वो पैसे कहां लगे? कहीं वो पैसे इस मुल्क में जिनको लग रहा था अवाम को सहूलियात देने के लिए, अवाम को राशन देने के लिए, अवाम के घर बनाने के लिए, वहां इस्तेमाल हुए या इस मुल्क में इंतशार के लिए इस्तेमाल हुए या इस मुल्क में सोशल मीडिया की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुए? इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और क्या हो सकती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो सो कॉल्ड अपने आप को कहती है कि मैं पाकिस्तान की बड़ी जमात हूँ और वो चाहती है कि पाकिस्तान का IMF से डिसकनेक्शन हो जाए ताकि हमारा मुल्क खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट में चला जाए, इंडस्ट्रियां बंद हो जाएं, कारोबार बंद हो जाएं। ये सोच क्या होनी चाहिए? या वो जमातें, वही जमात सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार होता है उनका लीडर तो क्या करते हैं वो लोग, नौ में जैसा सानिया अंदरुना क्या करते हैं।